पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत सदस्य संतोष वर्मा की अगुवाई किसान तिरंगा यात्रा सहित खंडपुर से दारियाबाद से तहसील रमसेनाही घाट निकाली गई थी। जब प्रशासन ने रोका तो क्या बोले संतोष, आइए सुनते हैं बाराबंकी से संवाददाता विपिन वर्मा की रिपोर्ट। आप लोग जान लीजिए, किसान ये वो किसान है जो धरती का सीना चीर के फसल उगाता है, कोई भी बीच में आएगा बिना रुके बिना डरे रामसेनाही घाट में हम लोगों को रुकना है, इसके अलावा कहीं नहीं रुकना है। ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, आज गणतंत्र दिवस का दिन पूरे देश में गौरवशाली रूप के दिन मनाया जाता है, और आज के दिन हम सब लोग किसानों के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, और इस भारत की और प्रदेश की जुल्मी सरकार और इससे मिल के चलने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस, इन लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस गौरवशाली दिन को काले दिन के रूप में बनाने के लिए बिल्कुल मनसा बना ली है। आज देश का 70% किसान, 70% आबादी किसानों की, वो इस गणतंत्र दिवस के दिन वो आज अपने हक के लिए तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकता है। आज के दिन जिस तरीके से 1950 26 जनवरी को इस देश में गणतंत्र लागू हुआ था और सरकार ने संविधान इस देश को दिया था, जिस तरीके से इस सरकार से, देश की सरकार से संविधान की रक्षा होती थी और इस संविधान से हम भारतवर्ष के एक एक नागरिक की रक्षा होती थी, उन सब चीजों को तार तार करने का काम किया जा रहा है। इस सरकार ने संविधान को भी क्षतिग्रस्त किया है और हम किसानों, युवाओं, मजदूरों के हक को भी क्षतिग्रस्त किया है। इसलिए हम सब लोग इस सरकार के विरोध में, इस काले कानून के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम हर हाल में रामसेनाही घाट पे हर हाल में पहुंचेंगे। या तो हमारी तिरंगा यात्रा पहुंचेगी और या तो यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक युवा, एक एक नौजवान और बुजुर्ग, एक एक शख्स गिरफ्तारी देगा, हर हाल में गिरफ्तारी देगा। इनकी पूरे उत्तर प्रदेश और देश में इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी हर हाल में। समाजवादी पार्टी